हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा YouTube वीडियो के लिए अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाएं अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से ही। तो अगर आप लोगों ने एक नया YouTube चैनल शुरू करा है और YouTube वीडियो पर जल्दी व्यूज़ इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो उसमें एक बेस्ट तरीका होता है कि भाई आप थंबनेल जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव, प्रोफेशनल और क्लिकेबल बनाएंगे, उतना ज़्यादा जल्दी आपके व्यूज़ भी आएंगे और चैनल भी ग्रो होगा। तो अगर एक यूट्यूबर हो तो थंबनेल बनाना आप लोग ढंग से सीख लो, जो कि आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। वैसे तो थंबनेल बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, मतलब आप नए नए कलर्स और डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल इस्तेमाल करते हुए काफ़ी अलग अलग टाइप के थंबनेल बना सकते हो। पर यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एक बेसिक, अगर आप एक नया यूट्यूब चैनल शुरू कराएं तो एक सिंपल थंबनेल आप किस तरह से डिज़ाइन करें, ठीक है, जो कि सिंपल भी रहे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बड़ी आसानी से आप मोबाइल फ़ोन पर बना भी लो और वो अट्रैक्टिव भी लगे, क्लिकेबल भी रहे, प्रोफेशनल भी लगे, ठीक है। ये सब कुछ आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हो। आपको बता दूं कि जो हर YouTube वीडियो के ऊपर एक कंप्लीट फ़ोटो, एक जो बैनर बनाता है, वो आपका थंबनेल कहलाता है, और जितना ज़्यादा वो अट्रैक्टिव होता है उतने ज़्यादा ही व्यूज आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। थंबनेल बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है नीचे, एक पिक्सल लैब नाम की एप्लीकेशन है, ठीक है। आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो इसे, मैंने पहले इंस्टॉल करी हुई है, तो मैं आप लोग को ओपन करके दिखाता हूँ ये पिक्सल लैब एप्लीकेशन। पिक्सल लैब एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है, क्या क्या टूल्स है, किस चीज़ का क्या मतलब है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, इमेज साइज़ पर जाना है और इसे सेट कर देना है YouTube थंबनेल, ओके। फिर ये जो न्यू टेक्स्ट आ रहा है, इसे आप डिलीट ऐसे यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे थंबनेल किस तरह बनाना है एक अट्रैक्टिव सा, उससे पहले ये जो आपको ऊपर कुछ तीन चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं और नीचे भी पाँच ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इनका क्या मतलब है मैं आप लोगों को ज़रा बता देता हूँ, क्योंकि इनके बारे में आपको सही नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले तो आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के बैकग्राउंड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे शाइनी, ये 3D टेक्स्ट, ये 3D टेक्स्ट, ठीक है। पर क्या बोलते हैं, नॉर्मल जो आप एक थंबनेल बनाएंगे तो उसके लिए आपको जो ये डिफ़ॉल्ट वाला है आपको यही लेके रखना है, ठीक है। फिर नीचे आपको ये ए वाला, ये टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। आप ऐसे एडिट पर जाएंगे, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ऐसे क्या बोलते हैं, ओके, ये ऐसे टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर टेक्स्ट को किस तरह से आपको और आगे डिज़ाइन करना है, एडिट करना है, टेक्स्ट साइज़, फॉन्ट, सब कुछ फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ये पूरा टेक्स्ट का है। फिर ये थर्ड ऑप्शन है, यहाँ से आपको कोई फ़ोटो इंपोर्ट करनी है, जैसे, ठीक है, ये इंपोर्ट पर जाकर सपोज़ आपको ये फ़ोटो इंपोर्ट करनी है, तो ये देख सकते हैं एक नई तरह की फ़ोटो आ गई है, ठीक है। मतलब कुछ भी फ़ोटो इंपोर्ट करनी है, कोई अपनी इमेज गैलरी से, सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर शेप्स का भी एक ऑप्शन मिलता है आपको, आप ऐसे इसे शेप्स भी ऐसे ले सकते हैं काफ़ी सारी। इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, ऐसे यहाँ से रोटेट कर दूं, तो ऐसे मैं कहीं से साइड पे ऐसे एडजस्ट करता हूँ, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि शेप्स का ऑप्शन भी मिलता है। फिर नेक्स्ट ये तो फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ से आपको कलर, बैकग्राउंड कलर, सपोज जैसे ये ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है, रेड कर दो, येलो कर दो, कुछ भी, ठीक है, ये ऑप्शन था। और ये लास्ट ऑप्शन जो है, ये तो थोड़ा एडवांस्ड है, मतलब ये कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, ये ज़्यादा आपका इतना अभी मतलब काम का नहीं है, ठीक है। ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इनको मैं बता दूं तो देखो भाई, ये थ्री डॉट्स तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ तो एक आपका दो ही चीज़ का काम है, इमेज साइज़, यानी कि आप यूट्यूब थंबनेल सेट कर दो, और जो एक्सपोर्ट इमेज है उसका मतलब इमेज को गैलरी में सेव कर दो। प्लस के आइकन पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें भी मिल जाती है, जैसे आपको कोई टेक्स्ट जोड़ना है, या आज की डेट जोड़नी है, या कोई स्टिकर जोड़ना है, जैसे स्टिकर ये देख सकते हैं वो ऐसे बड़ा करके, ठीक है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। प्लस में क्या बोलते हैं, शेप्स आ जाएगी, ड्रॉ का आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी क्या बोलते हैं। और यहाँ पर ये पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कॉपी करना है तो एक और कॉपी हो गया, ठीक है, या फिर जैसे ये टू फ्रंट या टू बैक जो लाना होता है आपको, ये भी मिल जाएगा, टू बैक चलेगा, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये इसके बैक चले गए। ये तो देखो डिलीट है, इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं। नीचे के मैंने एक्सप्लेन कर दिए ऑप्शंस, ऊपर के भी मैंने लगभग आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। एक ये अंडू का ऑप्शन भी मिल जाता है, ये बैक जाओ, अंडू आपको हो जाएगा यहाँ पे सारा। थ्री डॉट्स के नीचे ऑप्शन मिल रहा है, ये यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक तरह से आपका पूरा शो करता है कि आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करी है पूरे थंबनेल में, ठीक है। फिर आप यहाँ से जिसको चाहो ऐसे डिलीट कर सकते हो, ठीक है, चेकआउट भी कर सकते हो,
ये सब तो भाई ऑप्शंस थे आपके, क्या क्या इसमें फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब जरा चलते हैं हम डायरेक्टली थंबनेल बनाने पर, तो शुरू करते हैं अपना थंबनेल बनाना। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखते रहें। ये तो भाई एक हमारा डिफ़ॉल्ट सेट हो गया। ठीक है, अब मेरे को ये जो बैकग्राउंड कलर है ये ग्रीन सही नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा और लेता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर जाके फोर्थ ऑप्शन पर कलर मिल जाता है। ठीक है, कलर के साथ में बता दूँ ये तो कलर है रेड कोई भी चाहिए ऐसे ग्रीन, पर एक ग्रेडियंट का बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप मल्टी कलर। अब यहाँ पर मेरे को ऑरेंज कलर ठीक लग रहा है तो मैं ये ऑरेंज कलर इसका सेट कर देता हूँ। अब इसके बाद जो आपका यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है, ठीक है, आपने किस टॉपिक पर यूट्यूब वीडियो अपनी बनाई है, वो यहाँ पर हम जो टेक्स्ट है वो अपने थंबनेल पर जोड़ेंगे। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, ज़्यादा बड़ा बड़ा आप थंबनेल पर ना ही लिखे तो वो सही रहेगा। ठीक है, कुछ लोगों को मैंने देखा है भाई पूरा क्या बोलते हैं सेंटेंस लिख देते हैं, तो वो चीज़ नहीं सही है। ठीक है, आप कोशिश करिए शॉर्ट एंड सिंपल कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लिखिए ताकि लोगों को भी सही तरह से समझ आ जाए। जैसे यहाँ पर सपोज़ मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ कि भाई यूट्यूब वीडियो के लिए अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा ये टॉपिक है तो मैं किस तरह से लिखूँगा, सबसे पहले तो मैं भाई अपना टेक्स्ट जोड़ लेता हूँ। ठीक है, ए वाले पे गया मैं, टेक्स्ट गया एडिट, यहाँ पर मैंने लिखा यूट्यूब वीडियो। ठीक है, अब एक चीज़ एक और ध्यान रखो, यहाँ पर मैं पूरा सेंटेंस एक ही बारी में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सारा एक ही बारी में लिख दूंगा तो उसे एडजस्ट करना थोड़ा दिक्कत होएगी। मैं तोड़ तोड़ के पूरा सेंटेंस लिखूंगा ताकि मैं सही तरह से एडजस्ट भी कर पाऊँ। यहाँ पर मैं प्लस पे गया, टेक्स्ट गया, ठीक है, एक और न्यू टेक्स्ट आ गया। अब यूट्यूब वीडियो के बाद मेरे को लिखना है यूट्यूब वीडियो के। अब थोड़ा एक चीज़ ये ध्यान रखो, थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों इस्तेमाल करोगे थंबनेल में तो वो और अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा और लोगों को भी सही तरह से समझ आएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हिंदी में के लिए अट्रैक्टिव, ये इसके से नीचे आ गया। अब मैं पहले क्या कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे ज़रा गौर करो, मैं सारे जो टेक्स्ट है पहले वो जोड़ के एक जगह अरेंज कर रहा हूँ, फिर हमारी मर्जी है हम कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं, कौन सा फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, पहले जो जो चीज़ें लिखनी है वो सबको एक जगह जोड़ लो, फिर बाद में एडिट करना शुरू हो जाओ। ये देख सकते हैं ये इस तरह से यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैंने सारा अपना तीन चार जितने भी वर्ड्स थे वो सारे जोड़ दिए। ठीक है, अब मैं इन सबको अरेंज करना शुरू करता हूँ। ए वाले पे आके ऑप्शन पे जो ये सारे ऑप्शंस हैं ये सारे आपके टेक्स्ट को एडिट करने में हेल्प करते हैं। ये साइज़ बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया, ऐसे ऐसे सेंटर में सेट कर दिया। ठीक है, अब आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखते रहो। मैं गया कलर पर, कोई येल्लो चाहिए, येल्लो सेट कर दिया। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फॉन्ट का, फॉन्ट में तो भाई देख लो इतने सारे आपको फॉन्ट मिल जाते। मैं यहाँ पे बेसिकली भाई रेगुलर ही ले रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी जो भी इस्तेमाल कर लो। थोड़ा सा स्टाइल में जाके इसे बोल्ड भी कर देता हूँ, टेक्स्ट बैकग्राउंड इनेबल कर दूँगा और मैं इसे ब्लैक कर दूँगा कि थोड़ा सा हाइलाइटेड लग रहा है। थोड़ा और अगर इसे मैं एडिट करना चाहूँ तो इसका जो ये साइड कर्व्स है, ठीक है, इसे मैं देख सकते हैं, ये सर्कल आ रहा है। ठीक है, ये सारा आपको मिलेगा ऑप्शन टेक्स्ट बैकग्राउंड में। ठीक है, ये लेफ्ट पैडिंग यानी कि लेफ़्ट तरफ से कितना आपको बॉर्डर चाहिए, और ये राइट पैडिंग ऐसे थोड़ा क्या बोलते हैं यहाँ से डिक्रीज़ कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रहा है। ठीक है, मतलब देख सकते हैं YouTube वीडियो को भी हमने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है। जो ये तीन आपको मिलते हैं एंड में, स्ट्रोक, शेडो और इनर शेडो, इनको इस्तेमाल आप कर सकते हो, पर मैं एक चीज़ ये बोलूँगा, इनको इस्तेमाल तब करो जब आप टेक्स्ट बैकग्राउंड नहीं इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ भाई, स्ट्रोक पर जाता हूँ, इसे इनेबल कर दिया। ठीक है, अब सपोज़ मेरे को वाइट कलर का चाहिए तो देख सकते हैं आप कितना फ़र्क आ गया, ऐसे ऐसे बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, यूट्यूब वीडियो को हमने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह से भाई आप ये जो नीचे लिखा हुआ है के लिए अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाएं, इन सबको भी अलग अलग कलर देते हुए, ठीक है, अलग अलग स्टाइल देते हुए सबको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक टेक्स्ट को एडिट करना सिखा दिया, अब मैं जल्दी से सारे अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ। ये बिल्कुल और सिर्फ आपकी मर्जी, आप कौन सा कलर कौन सा फॉन्ट स्टाइल देना चाहते हो। अब आप देख सकते हैं
कि मैंने सारे टेक्स्ट को, सारे वर्ड्स को अपने हिसाब से एक सही ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। एक चीज़ हम और क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको शेप्स बताई थी तो हम वो ऐड कर सकते हैं। ऊपर प्लस पर जाएंगे, शेप्स पे क्लिक करेंगे तो ये वाली शेप हमने सिलेक्ट कर ली। साइज़ बड़ा करके, थोड़ा सा ऐसे कर्व करके, अब यहाँ पे थोड़ा ये ऐसे सही तरह से अरेंज हो चुका है। आप चाहो तो भाई यहाँ पर ये जो वाइट बॉर्डर है, ठीक है, सबसे सही तो मैं इसमें बताऊँ कि आप लोग अपनी जो एक फ़ोटो है, ठीक है, उसका PNG लगा दो। आप कोई इमेज ऐड कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं एक इमेज ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो बीच में ये इम्पोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी गैलरी खुल जाएगी। अब मैंने ये वाली इमेज सिलेक्ट कर ली है, थोड़ा मैं इसे सही तरह से ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर दिया, और चीज़ में ऐड कर दूंगा, ठीक है, एक टेक्स्ट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एंड्रॉयड मोबाइल से। तो यहाँ पर पहले मैंने एक छोटी सी इमेज ऐड करी और फिर नीचे ब्लैक कलर से लिख दिया एंड्रॉयड मोबाइल से और उसे एडजस्ट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा थंबनेल बनकर लगभग पूरा रेडी हो चुका है, और कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हुए हमने अपने मोबाइल फ़ोन पर ही ईजिली एक अट्रैक्टिव थंबनेल बना दिया। तो यहाँ पर जितनी चीज़ें मुझे सूटेबल लगी वो मैंने इस थंबनेल में ऐड करी, और अब थंबनेल बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप अपनी YouTube वीडियो के लिए एक अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं जो कि क्लिकेबल भी रहे। और नया चैनल है तो आप इस तरह से थंबनेल बनाइए, आपका चैनल 100% ग्रो होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ। थैंक यू।